नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथिगन भाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर रेलवे के अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन पहले। तो दोस्तों, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका मेस महत्तम समाप्त वर्तक एक हो, अर्थात जिनमें उभयनिष्ठ एक का भाग जाता हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो दोस्तों, ये थी इनकी डेफिनेशन। अब देखते हैं एग्जांपल से सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं दो संख्या लेता हूँ। एग्जांपल नंबर एक है, इसमें मैं दो संख्या ले ली, जैसे एक लिया दो और एक लिया तीन। तो दोस्तों, दो है और तीन है, तो ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों, इन दोनों में एक का भाग जा रहा है और किसी संख्या का भाग जा रहा होता तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती। अब ये अभाज्य संख्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेता हूँ, एग्जांपल नंबर दो है, जैसे मैंने लिया चार और आठ। तो इन दोनों में दो का भी भाग जा रहा है, चार का भी भाग जा रहा है और एक का भी जा रहा है। तो दोस्तों, ये एक से एक के सिवाय किसी और संख्या का भाग जाएगा दोनों में, तो वो अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर तीन। तो दोस्तों, मैं लिख लेता हूँ तेरह और सत्रह है, इनमें एक का भाग जा रहा है और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, मतलब उभयनिष्ठ इसमें दोनों में क्या है, एक है। इनके गुणनखंड करते हैं, तेरह का गुणनखंड क्या होगा, एक गुणा तेरह, सत्रह क्या होगा, एक गुणा सत्रह। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक है। तो ये क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर चार। तो एग्जांपल नंबर चार में हम लेते हैं तीन संख्या, जैसे मैंने लिखा चार आठ तेरह, ये तीन संख्या है। तो दोस्तों, इन सभी में चार आठ तेरह इससे अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों, इसमें चार का भाग जा रहा है, इसमें चार का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा चार का। इसी प्रकार एक का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो दोस्तों, ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि तीनों में एक का भाग जा रहा है और किसी संख्या का, चार का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें और चल जाता तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होती। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर पाँच। तो पाँच में मैंने लिखा है 13, 29, 47। तो ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों, इसमें तीनों संख्याओं में एक का भाग जा रहा है, तो इस कारण ये सह अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर छः, जैसे मैंने लिख दिया 71, 75, 77। तो दोस्तों, ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में एक का भाग तो जा रहा है और किसी ऐसी संख्या है जिसका भाग जा रहा हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग जा रहा हो। तो दोस्तों, ये भी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार ये टॉपिक, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब एक तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।